Okay. देखो भाई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में हम लोग सेक्शन 237 तक 236 तक रादर पढ़ लिए होंगे। लास्ट लास्ट तो दो बहुत ही टेक्निकल सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 235 एंड 236। आप लोग कभी भूले नहीं, मिस इंटरप्रेट नहीं करे, इसलिए मैंने आपको जिस तरीके से एग्जाम में लिखना मैंने आपको डिक्टेशन दे दिया था। सो 235 एंड 236 का आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डिक्टेशन ना, और उसका मैंने आपको कंपेरिजन चार्ट भी बना दिया था 235 और 236 का। सुपर। अब आ रहे हैं सेक्शन नंबर 237 की तरफ। सेक्शन 237 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और पावर देता है, बट सीजी ने अभी तक इंडिया में ये पावर इस्तेमाल नहीं किया है, और क्योंकि सीजी ने अभी तक जरूरत नहीं समझा ये पावर इस्तेमाल करने का, तो इससे रिलेटेड जो रूल्स है वो भी अभी तक नहीं बनाया है। लेकिन आपके तो सिलेबस में ये सेक्शन है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, भले सीजी अभी तक ये नहीं पढ़ा है। ये है क्या समझो, सेक्शन 237। सेक्शन 237 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगे पब्लिक इंटरेस्ट के चक्कर में कि दो कंपनी को अमलगमेट करके एक तीसरा कंपनी बना देना चाहिए, तो वो दो एग्जिस्टिंग कंपनी को अमलगमेट करके एक तीसरा कंपनी बना देगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सो गवर्नमेंट कंपनी का नहीं, कोई भी कंपनी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि दो जन के मिल जाने से, दो कंपनी के मिल जाने से पब्लिक अबला होगा, तो मिलाप हो जाएगा, फोर्सफुल अमलगमेशन। इतना देर से जो अमल कमीशन चल रहा था वो फोर्सफुल चल रहा था कि वॉलेंट्री चल रहा था, अभी फोर्सफुल अमल कमीशन का बात चल रहा है। सेक्शन नंबर कौन सा बताओ, फटाफट बताओ। सेक्शन 237 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट इफ थिंक्स फिट फॉर विच इंटरेस्ट, बताओ ना, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स फिट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन अमलगमेट टू कंपनीज टू फॉर्म अ ऑल टूगेदर न्यू कंपनी, टू फॉर्म एन ऑल टूगेदर न्यू कंपनी, इट विल फोर्सफुली अमलगमेट द टू कंपनीज इन टू अ न्यू कंपनी। तो यहां पर बताओ दो ट्रांसफरर कंपनी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो अमलगमेट हो रहा है वो दोनों ट्रांसफरर हो गया, और नया वाला ट्रांसफरी कंपनी कौन हो गया, सी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों क्या हो जाएगा, ट्रांसफरर कंपनी, और सी लिमिटेड क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी। और ये ट्रांसफरी कंपनी में कितना एसेट्स रहेगा, लाइबिलिटीज रहेगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। हो सकता है मान लो ए लिमिटेड का कुछ एसेट जो है वो बकवास था, तो वो ट्रांसफरी कंपनी में टेकओवर होने की जगह सल्टा दिया जाए, बेच दिया जाए, तो क्या नए एसेट्स रहेंगे, नए लाइबिलिटीज रहेंगे, नए एसेट्स, नए लाइबिलिटीज, बोर्ड कैसा बनेगा, सी लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे बनेगा। अब मान लो इसमें 15 डायरेक्टर, इसमें 15 डायरेक्टर, तो थोड़ी ना 30 जन डायरेक्टर आ जाएगा यहां पर, तो नया बोर्ड में कौन बैठेगा। अब यहां पर एक सीईओ, यहां एक सीईओ, तो थोड़ी ना दो सीईओ बैठेगा, तो पूरा सब डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीजी हैज अ पावर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन फोर्सफुली अमलगमेट टू कंपनीज, इट कैन फोर्सफुली अमलगमेट टू कंपनीज टू फॉर्म एन ऑल टूगेदर न्यू कंपनी, एंड वॉट एवर एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टीज, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू बोर्ड ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी विल बी डिसाइडेड बाई सीजी। क्लियर है सर हम लोग, आगे बोलिए सर आप। सेक्शन 237 बोलता है कि सीजी फिर ये भी डिसाइड करेगा ऑर्डर में कि जो पेंडिंग लिटिगेशन है उनका क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, व्हाट विल हैपन टू द पेंडिंग लिटिगेशन। ये भी ऑर्डर में सीजी डिसाइड करेगा कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड का जो केसेस चल रहा था वो, उसमें से कौन कौन सा केस अभी भी चलेगा, किसके नाम पर, सी लिमिटेड के नाम पर। What are cases were going on? What are pending litigations were there in the name of A Limited and B Limited? Transferring company के नाम पर उसमें से कौन सा carry forward होगा? दो बात हो चुका है। तीसरा बात, अगर दिक्कत है किसको? हाँ, ट्रांसफरी को तो कोई दिक्कत होगा ही, वो तो न्यू बॉर्न बेबी है, तो दिक्कत किसको होगा? ट्रांसफर लोग को दिक्कत है ना, तो रुक जाओ, क्या दिक्कत है भाई, जो भी तुम्हारा एग्जिस्टिंग राइट्स था एज अ क्रेडिटर, एज अ मेंबर, एज अ डिबेंचर होल्डर, व्हाट एवर एग्जिस्टिंग राइट एज अ मेंबर, एज अ क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर, व्हाट एवर एग्जिस्टिंग राइट्स यू हैड एज अ, आप लोगों को क्या दिक्कत है, ए लिमिटेड के मेंबर क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर, अब बी लिमिटेड के मेंबर क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर, तुम लोग का राइट सी लिमिटेड में सेम रहेगा, यू विल एंजॉय द सेम राइट्स इन द ट्रांस फ्री कंपनी दैट यू यूज टू एंजॉय इन द ट्रांसफर, यू विल कंटिन्यू टू एंजॉय द सेम राइट्स इन द ट्रांसफरी कंपनी,
same share in the transfer company that you people used to enjoy in the transfer company. And if the rights given in the transfer company are less, the same will be compensated to you in cash. And that compensation will be determined by the authority as may be prescribed. That compensation to be paid in cash, if you are getting lesser rights, ke more rights. Lesser rights in the, if you guys are getting lesser rate in the transfer company, then the rights that you had in the transferor company, if you are getting the lesser rate in the transfer company, you will be paid compensation in cash, which will be determined by the authority as may be prescribed, and nothing has been prescribed. क्योंकि जरूरी नहीं समझा गया है अभी तक, जरूरत नहीं पड़ा है तो एज में प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एज में प्रिस्क्राइब, ये तो रूल्स में आराम से प्रिस्क्राइब हो जाएगा ना, तो रूल बनाना तो कोई बड़ा ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है. अगर सीजी को लग रहा है कि हाँ अब हम लोग को ये सेक्शन का दरकार है, तुरंत रूल बना देगा, बन में आ गया सर. और ऐसे भी हम बता दें ये कौन रहेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही रहेगा जनरली, ये सब काम कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर लोग ही करेगा. अभी भी दिक्कत है तुम लोग को, बोला हाँ हम लोग को कंपेंसेशन समझ में नहीं आ रहा, या हम लोग को ये मर्जरी डेथ समझ में नहीं आ रहा. नहीं समझ आया, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा. 30 डेज का टाइम है, 30 दिन के अंदर यू गाइस कैन अपील टू एनसीएलटी, फिर एनसीएलटी जो फैसला सुनाएगा वो बाइंडिंग होगा सबके ऊपर. समझ आ गया सर मक्खन एकदम. और इसके पहले हम एक चीज और बता दें कि जो सीजी ऑर्डर पास कर रहा है ना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, अब क्या बन जाएगा, पहले एक ड्राफ्ट कॉपी, क्या बोलो तो, पहले एक ड्राफ्ट कॉपी दोनों ट्रांसफरर कंपनी को भी भेजेगा ताकि उनका ऑब्जेक्शंस वगैरह सजेशन वगैरह हम लोग ले सके. समझ आ गया सर, हम लोग सीधा ऑर्डर पास कर देगा कि पहले रफ ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर, रफ ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर शैल बी गिवन टू ट्रांसफरर कंपनी सो दैट दे कैन गिव देयर सजेशन ऑन ऑब्जेक्शन. मक्खन सर, तो वापस से सुन लो, सेक्शन नंबर कौन सा, 237 कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 237 कंप्लीट. एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन में अमलगमेशन लास्ट क्लास पूरा हो चुका है, आज तो खाली आधा घंटा का हम पोर्शन बोले थे वो हम सल्टा दे रहे हैं. सुन रहा है, आज सवा तीन क्लास है, अरे तीन क्लास हो चुका है इसका. तो जो बच्चा नया जीवन स्टार्ट करने आया है या फिर जो बच्चा लेट है, कोई बात नहीं, आप 15 मिनट तक आराम से अनुलोम विलोम कर लो तब तक. चलो ध्यान लगाओ, सेक्शन नंबर कौन सा बात चल रहा है, 237. सेक्शन 237 का हम क्विक रिकैप आपको दे देते हैं. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सीजी अगर चाहे, जब तक सीजी कुछ नहीं बोलता तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर होता है. जब तक सीजी कुछ नहीं बोलता, नहीं हम नहीं, रूल्स, जब तक कुछ नहीं बताता सीजी मतलब एकदम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, नहीं तो क्या आरओसी दोनों कंपनी को उठा करके अमलगमेट कर देगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एमसीए के पास पावर है कि वो दो कंपनी को, कोई भी दो कंपनी को, दो गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा है, कोई भी दो कंपनी को अमलगमेट कर सकता है. इसको बोलते हैं फोर्सफुल अमलगमेशन. ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अमलगमेट करके एक नया एंटिटी खड़ा कर देगा सी लिमिटेड, दैट्स कॉल्ड फोर्सफुल अमलगमेशन. लेकिन सीजी ये तभी करेगा अगर सीजी को लग रहा है दिस अमलगमेशन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. सो सीजी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन फोर्सफुली अमलगमेट टू कंपनीज टू फॉर्म अ न्यू ट्रांसफरी कंपनी. And in that order, CG will decide the rights, assets, liabilities, new constitution, board of the transferee company. Transferee company, जो नया company है, उसमें क्या asset रहेगा, liability रहेगा, उसका constitution, rights, privileges, सब decide करेगा CG उसी order में. Pending litigation का क्या होगा? Pending litigation का क्या होगा? ये भी कौन decide करेगा? CG. Pending litigation का क्या होगा? Will also be decided by CG in its order. अगर ट्रांसफरी कंपनी के अंदर कम राइट्स मिलता है, कम प्रिविलेज मिलता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, जो उन लोगों के पास पहले से था कहां पर, ट्रांसफरर कंपनी, दे विल गेट द सेम राइट एंड प्रिविलेज इन द ट्रांसफरी कंपनी ऑल्सो. बट इफ दे हैव बीन गिवन लेस राइट, दे विल बी कंपेंसेटेड इन कैश विच विल बी डिटरमाइंड बाई द अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब. एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपेंसेशन और दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फोर्सफुल अमलगमेशन, दे कैन अप्लाई टू एनसीएलटी विद इन 30 डेज. और फिर अगर अपील कर दिया तो ऑब्वियस सा बात है, जब तक अपील डिस्पोज तब तक ये ऑर्डर बाइंडिंग नहीं रहेगा. जब तक एनसीएलटी में अगर अपील हो गया तो ऑर्डर डिस्पोज नहीं होता, तब तक बाइंडिंग नहीं रहेगा. हाँ, और एक चीज याद रखना,
कि सीजी कभी भी अचानक से ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेगा, पहले जो रफ ड्राफ्ट है ऑर्डर का वो ट्रांसफरर कंपनीज को भेजेगा, ट्रांसफरी कंपनी को भी भेजेगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ड्यूड, ट्रांसफरर कंपनीज को भेजेगा ताकि उनका सजेशन ऑब्जेक्शन ले सके। मक्खन एकदम, चलो पढ़ो। सेक्शन 237, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के माथे पे एमसीए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट माथे पर एमसीए, टू प्रोवाइड फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, टू प्रोवाइड फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, वेयर सीजी सैटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट। बोल रहे सीजी अगर क्या है बताओ ना, सैटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट टू और मोर कंपनी शुड अमलगमेट, दो या दो से ज्यादा कंपनी का अमलगमेशन हो जाए, सीजी में बाई ऑर्डर। अच्छा सीजी अपना ऑर्डर कहां छापता है बताओ तो, ओजी, सीजी में बाई ऑर्डर नोटिफाइड इन ओजी, provide for amalgamation of those companies into a single company with such constitution power property rights, with such constitution property power right interest liabilities as may be specified in the order, the order may also provide for continuation by or against the transferee company of any legal proceeding pending by or against the transfer company। अभी ऑर्डर में लिखा हो रहेगा ना, व्हाट विल हैपन टू द पेंडिंग लिटिगेशंस, इट विल बी कंटिन्यूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी और नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, एवरी मेंबर क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर ऑफ ईच ऑफ द ट्रांसफर कंपनीज, पक्का दो या दो से ज्यादा ट्रांसफर कंपनी होगा ना रे बाबा, ऑफ ईच ऑफ द ट्रांसफर कंपनीज शैल हैव the same interest or rights against the transferee company as he had in the company of which he was originally the member of the creditor। samajh aa raha hai, matlab transferor company mein jo right tha wahi right kahan par rahega, transferee company mein, and in case the rights are less than his rights against the original company, and in case the rights are less then his rights against the original company, agar usko kam right mila hai, he shall be entitled to compensation to that extent, he shall be entitled to compensation to that extent, hai na, which shall be assessed, aur ye compensation nikalega kon, by such authority as may prescribe। badho, any person agreed by any assessment of compensation made by the prescribed authority under subsection 3 may within 30 days from the date of publication in official gazette prefer an appeal to tribunal। 30 days ke andar aggrieved insan kahan ja sakta batao, NCLT। no order shall be made under this section, hum bole the na central government order final order pass karne wala jab tak draft order circulate nahi ho jata, unless the copy of the proposed order, copy of the proposed order has been sent in draft to each of the companies concerned। point bhi hum nahi mark karwa rahe, wo to bada obvious hai na, agar appeal hua hai under subsection 4 tab to jab tak appeal dispose tab tak order effective nahi rahega, to jabardasti ka badhao mat, to no order shall be made under this section unless batao na kya, copy of the proposed order has been sent in draft to each of the companies concerned, है ना। फिर बढ़ो, एंड जो हम लोग ड्राफ्ट ऑर्डर भेज रहे हैं ना, किसको भेज रहे हैं, ट्रांसफर कंपनी को, तो वहां से ऑब्जेक्शन वगैरह आएगा वो भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर, एंड सीजी हैज कंसीडर्ड एंड मेड सच मॉडिफिकेशन इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑर्डर एज इट मे डीम फिट इन द लाइट्स ऑफ सजेशन, जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन विच मे हैव बीन रिसीव बाय इट फ्रॉम एनी ऑफ सच कंपनी विद इन सच पीरियड, जो सीजी फिक्स किया था, बट कम से कम दो महीना तो देगा, जिस दिन ड्राफ्ट ऑर्डर ट्रांसफरर कंपनी इसको मिला है
वहां से कम दो महीना तो सीजी उन लोगों को टाइम देगा कि भाई अपना सजेशन ऑब्जेक्शन जो भी है बोल, और फिर उसको सीजी क्या करेगा, कंसीडर, और फिर फाइनल ऑर्डर पास करेगा। समझ में आ गया? बस वहीं तक। ये बहुत बड़ा चीज है, अचानक से सीजी दो कंपनी को अमलगमेंट कर दे रहा है, तो ये पार्लियामेंट में भी ये ऑर्डर पेश होगा। द कॉपीज ऑफ एवरी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, कॉपीज ऑफ एवरी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन एज सून एज पॉसिबल बी प्लेस बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मक्खन है ना एकदम पूरा, कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। जिन लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं, जिन लोग लेट आया है, कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद जो है ना ये 15 मिनट का जो पोर्शन है इसका बैकअप कर लीजिएगा इसी क्लास के बाद, या अगर इसके बाद आपका 11 बजे क्लास है तो उसके बाद कर लीजिएगा। चलिए बढ़िया, बड़े बड़े क्या दोस्तों, कॉपी खोल दो फटाफट एकदम। सेक्शन 237, सुपर डुपर निंजा की तरह, एकदम सुपर डुपर निंजा, जो छूटेगा वो लिख देना रेफर मैट, जिसका जो छूटेगा रेफर मैट। हेडिंग क्या दिया? सेक्शन 237, सीजीज पावर ऑफ कंपल्सरी अमलगमेशन, सीजीज पावर ऑफ कंपल्सरी अमलगमेशन, फटाफट, सीजीज पावर ऑफ कंपल्सरी अमलगमेशन, सीजीज पावर ऑफ कंपल्सरी अमलगमेशन, सेक्शन 237, सीजीज पावर ऑफ कंपल्सरी अमलगमेशन, सेक्शन 237, CG's power of compulsory amalgamation, CG के माथे पे लिख दो MCA, CG के माथे पे लिख दीजिएगा MCA, CG's power of compulsory amalgamation, माथे पे लिख देना MCA, लिख दिया। पॉइंट नंबर वन चालू कर दो फटाफट। CG if satisfied that it is essential in public interest, CG satisfied that it is essential in public interest, क्या होता है थोड़ा हम तुमको बता रहे हैं। ये जो public interest शब्द है, दो चीज होता है, देखो CG प्रोएक्टिव हो जाएगा जब ये एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हो रहता है, और ये बहुत कम जगह लिखा हो रहता है, सेक्शन 237 जो है ना उनमें से एक जगह है एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट। दो चीज होता है, एक एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट और एक नॉट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तुम जो काम कर रहे हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है लेकिन खिलाफ भी नहीं, तो हमको आई एम इंडिफरेंट टू इट। तो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, करो, पब्लिक के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो होता है नॉट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। नहीं समझ आया? और एक हो गया कि ये काम करना ही पड़ेगा अब हमको, क्योंकि ये अब जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, वो होता है एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट। बुद्धि में नहीं जा रहे क्या बोल रहे हैं? तो कहीं कहीं लॉ मेकर्स लोग क्या लिख करके रखे हैं कि सीजे विल ग्रांट द अप्रूवल, सीजे विल ग्रांट द अप्रूवल इफ इट इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब जो तुम कर रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या? नहीं, खिलाफ भी नहीं है। समझ आ गया सर हम लोग को? लेकिन 237 वाला जो मर्जर है वो तो सीजी को मजबूरी में करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो गया था पब्लिक इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। मतलब ये मर्जर नहीं होगा तो पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दो अलग अलग चीज होता है, तो अपना इनोवेशन मत दिखा देना। चलो बढ़ो। द
देखो लैंग्वेज क्या लिखे हो, सीजी इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट टू मर्ज टू और मोर ट्रांसफरर कंपनीज, टू मर्ज टू और मोर ट्रांसफरर कंपनीज, टू मर्ज टू और मोर ट्रांसफरर कंपनीज, टू मर्ज टू और मोर ट्रांसफरर कंपनीज इंटू सिंगल ट्रांसफरी कंपनी, टू मर्ज टू और मोर ट्रांसफरर कंपनीज इंटू सिंगल ट्रांसफरी कंपनी, टू मर्ज टू और मोर ट्रांसफरर कंपनीज इंटू सिंगल ट्रांसफरी कंपनी, टू मर्ज टू और मोर ट्रांसफरर कंपनीज इंटू सिंगल ट्रांसफरी कंपनी, टू मर्ज टू और मोर ट्रांसफरर कंपनी इंटू सिंगल ट्रांसफरी कंपनी. Then CG can order such merger. Then CG can order such merger. Oblique amalgamation. CG can order such merger. Oblique amalgamation. To form a new transferee company. To form a new transferee company. To form a new transferee company with such rights, privileges, assets, liabilities. With such rights, privileges, assets, liabilities, constitution, property. As CG may determine by order. And publish in OG. Point number 2. The status of the pending litigation of transferor companies may also be determined by CG in the order. Point number 3. Every member, creditor, including debenture holder, of the transferor companies, shall have the same right in the transferee company. And if such right is less, then compensation will be paid to them. As determined by prescribed authority. Compensation will be paid to them as determined by prescribed authority. Point number concept.
फोर में लिखो, एनी पर्सन अग्रीव्ड, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय सच ऑर्डर कैन अपील टू एनसीएलटी विद इन 30 डेज. Any person aggrieved by such order can appeal to NCLT within 30 days of publication in OG. 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 Point number kaunsa? Five mein likho. CG before passing such order. CG before passing such order of amalgamation, CG before passing such order of amalgamation will send a draft copy of the order, will send a draft copy of the order to all transferor companies, draft copy of order to all transferor companies, giving them at least 2 months, giving them at least 2 months, giving them at least 2 months to make any objection or suggestion, to make any objection or suggestion. To be considered by CG. To make any objection or suggestion to be considered by CG. Last point number kaun sa? Six mein likho. The copies of final order, the copies of final order shall be placed in both houses of parliament. The copies of final order shall be placed before both houses of parliament. The copies of final order shall be placed before both houses of parliament. The copies of final order shall be placed before both houses of parliament. As soon as possible. As soon as possible. अब भूलने का कोई सवाल नहीं है, इवापोरेशन का कोई कोई सवाल नहीं है. बढ़ो सेक्शन 238 में आ जाओ. अब ये बेटा एकदम चंगू मंगू सेक्शन से बेटा खुशी के दिन आ चुके हैं तुम्हारे. 237 तक एवरीथिंग वॉज टेक्निकल. आप कुछ नहीं है बेटा, एकदम ब्लू है पानी पानी. चलो सेक्शन 238 क्या बोल रहे, सुनो सुनो ना सेक्शन 238 क्या बोल रहे हैं. ये बोल रहे हैं 235 में हमने जो नहीं बोला उसका अलग से सेक्शन बना दिया 238. बोल देना चाहिए था 235 में ही, लेकिन नहीं बोला, अलग से सेक्शन इसलिए बनाना पड़ा. 238 है, 235 से रिलेटेड. 235 क्या था, कुछ याद आया? इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर था. जो ट्रांसफरी कंपनी था वो ट्रांसफरर कंपनी को बोलता था तुम्हारा सारा शेयर हम खरीद लेना चाहते हैं, पक्का? तो इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर होता था. यार क्या बोले ना तुम लोग को, कौन किसको क्या बोलता था? ट्रांसफरी, ट्रांसफरर कंपनी को अपना बनाना चाहता है 100% उसका शेयर खरीद करके. तो बीओडी बीओडी बात कर रहा है आपस में, झूठा लोग याद भी नहीं है. बोर्ड बोर्ड आपस में बात कर रहा है ना, बोर्ड ऑफ ऑफर कौन दे रहा है पहले? ट्रांसफरी कंपनी का बोर्ड किसको ऑफर देगा? ट्रांसफर कंपनी का शेयर होल्डर लोगों की, ट्रांसफर कंपनी का बोर्ड को क्या ऑफर दे रहा है? सारा शेयर खरीद लेना चाहता है. शेयर होल्डर लोग का शेयर खरीद लेना चाहता है. ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर लोग का शेयर खरीद लेना चाहता है. ट्रांसफरी कंपनी खरीदेगा? ट्रांसफरी कंपनी के कोई एक इंसान ट्रांसफरी कंपनी खरीदेगा शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, बट द ऑफर इज बीइंग गिवन टू द बोर्ड ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. तो बोर्ड ये सामने किसके रखेगा? ट्रांसफरी का बोर्ड ना, ना लास्ट लास्ट छूटा हुआ है, अनुलोम विलोम जारी रखो, कपाल भर्ती कर लो. कौन किसको पहला ऑफर दे रहा है? ट्रांसफरी का बोर्ड, ट्रांसफरी का बोर्ड. हाँ ठीक है, थोड़ा
समय लगता है, बच्चों को ट्रांसफरी का बोर्ड ऑफर दे रहा है, ट्रांसफर का बोर्ड को, फिर क्या होगा सोचो तो, कल्पना करो तो क्या होगा, ट्रांसफरर को ऑफर मिल गया है तो फिर ट्रांसफरर कंपनी का बीओडी ऑफर शेयर होल्डर लोग को देगा। ट्रांसफरी कंपनी तो ऑफर दे दिया ना रे बाबा ट्रांसफर कंपनी का बोर्ड को, अब ट्रांसफरर कंपनी का जो बीओडी है वो जनरल मीटिंग बुलाएगा शेयर होल्डर लोग का, चार महीना का टाइम रहेगा पक्का। कौन अब जानकारी दे रहा है किसको, ट्रांसफरर का बीओडी अपने शेयर होल्डर को जानकारी दे रहा है। सेक्शन 238 खाली एक छोटा सा बात बोलता है, वो जो जानकारी 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 आप बोल रहे हैं ना उसको सर्कुलर बोलिए, CA 15 बोलिए, और इसका रजिस्ट्रेशन ROC के साथ भी करवाइए, खत्म। आइए फिर से एक बार रिवीजन, ट्रांसफरी कंपनी का बीओडी ने ऑफर किसको दे दिया, ट्रांसफर का बीओडी, अब वो चार महीना के अंदर जनरल मीटिंग बुला करके वो अप्रूवल वगैरह लेगा, तो ट्रांसफरर का जो बीओडी है जो जानकारी देगा ना अपने शेयर होल्डर लोग को मेंबर लोग को, उस जानकारी को क्या बोलोगे सर्कुलर, उस सर्कुलर में सारा बात लिखा रहेगा, सर्कुलर में सारा बात लिखा रहेगा, और सर्कुलर में यह भी लिखो कि जो ट्रांसफरी कंपनी कंसिडरेशन देगा कैश देगा उसके लिए वो क्या स्टेप ले रहा है, हवा में तो बात नहीं कर रहा है ना। हाँ हाँ ट्रांसफरर तुम अपने शोलो लोग बताओ कि ट्रांसफरी ने तुमको क्या बोला, क्या स्टेप्स लिया उसने, ये सब सर्कुलर में लिखो, पूरा स्कीम लिखो, पूरा स्कीम इसके साथ जाएगा सर्कुलर के साथ, पूरा डिटेल जाएगा स्कीम का अलोंग विद द फैक्ट दैट व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू अरेंज द कंसीडरेशन इन कैश। CA 15 शोलो लोग को बांट दो बनवाने, और ये ROC को भी क्या करवाना रजिस्टर, अब ROC को भी टशन है, बोला नहीं हम रजिस्टर नहीं करेंगे, हमको तो लग रहा है कि ये इसमें सब झूठ झूठ लिखा हुआ है, तो अगर ROC को ऐसा लग रहा है तो ROC रिफ्यूज कर सकता है कि हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे जाओ, तो ये सर्कुलर रजिस्टर करवाना जरूरी है किसके पास, ROC, अगर ROC रजिस्टर नहीं कर रहा है तो आप जाइए दरवाजा खुला है इंसाफ का, कहां पर NCLT में अपील ठोक दीजिएगा। चलिए देखिए यहां लिख दो पहले तो रिलेटेड टू, बता भाई सेक्शन नंबर कौन सा, 235 पूरा का पूरा रिलेटेड टू सेक्शन 235 है ये, इसका कोई राइटअप नहीं लिखवाया जाएगा क्योंकि ये खुद ही एक छोटू है, सो इट्स रिलेटेड टू सेक्शन 235। हाँ रेडी, ये देखो इन रिलेशन टू स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट, अरे वही स्कीम कॉन्ट्रैक्ट था ना रे 235 में, 236 में कोई स्कीम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, वहां तो एक इंसान 90% शेयर अक्वायर कर लेता था। इन रिलेशन टू क्या बताओ ना, स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर, इन रिलेशन टू स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट, इन रिलेशन टू स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द, इन रिलेशन टू स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर इन्वॉल्विंग, अरे इन रिलेशन टू स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर इन विच कंपनी, ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहां पर, इन ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर का जो शेयर है वो किसको बेचा जा रहा है ट्रांसफरी कंपनी, अंडर वही सेक्शन नंबर कौन सा 235 है ना। एवरी सर्कुलर कंटेनिंग सच ऑफर टू द मेंबर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बाय इट्स डायरेक्टर, ट्रांसफरर कंपनी का बीओडी, ट्रांसफरर कंपनी का जो बीओडी अपने मेंबर लोग को जो ऑफर दे रहा है वो इस सर्कुलर में देगा, ये सर्कुलर का फॉर्म नंबर बताओ, लिख दो CA 15, ये सर्कुलर के माथे पे लिख देना CA 15। फिर देखो एवरी सच ऑफर दिखा, एवरी सच ऑफर डिस्क्लोज करेगा स्टेप्स इट हैज टेकन, ये इट कौन है बताओ तो, ये देख लो पूरा ही पढ़ लो, एवरी सच ऑफर
on behalf of transferee company, है ना, disclosing the steps it has taken to in short that necessary cash will be available. आप क्या step लिए हैं necessary cash available करवाने के लिए, बताइए जनता को, जनता को मतलब members को, किसके members को, transferer के members को बताइए. And every such circular shall be presented to किसको, बताओ फटाफट बताओ. ROC for क्या, registration, है ना, मतलब आप बांटिए मत, सर्कुलर आप सर्कुलेट नहीं कर सकते जब तक आप आरओसी के पास जाकर के रजिस्टर नहीं करवा सकते. नो सच सर्कुलर शैल बी इशूड अंटिल इट इज सो रजिस्टर्ड. मक्खन एकदम. आरओसी में रिफ्यूज फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग टू रजिस्टर एनी सच सर्कुलर व्हिच डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन अंडर द क्लॉज, जो हम लोग ऊपर में पढ़े, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन तक मार्क कर लो. आरओसी हो सकता है रजिस्टर नहीं करे, अगर तुमने नेसेसरी जानकारी जो ऊपर में हम लोग पढ़ रहे थे तुमने दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया या फिर झूठ लिखा, और विच सेट आउट इंफॉर्मेशन विच गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन, जो भी है कम्युनिकेट कर देगा आरओसी 30 डेज के अंदर. तुम जब आरओसी के पास जा रहे हैं ना सीए 15 रजिस्टर करवाने के लिए, आरओसी कितना दिन के अंदर हाँ या ना बोलेगा, 30 डेज. आरओसी का हाँ या ना 30 डेज में आ जाएगा, ना आ गया तो क्या कर लोगे तुम, एन अपील टू ट्रिब्यूनल शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आरओसी. अपील टू ट्रिब्यूनल, इसका कोई टाइम लिमिट दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो भी होना है वो तो पता ही है ना, 4 महीना के अंदर होना है. सो अपील टू एनसीएलटी आप कर देना चाहते थे, ठीक है, और फिर फाइन है अगर झूठ वूट बोलेगा तो 25,000 से 5,00,000. सर्कुलर जो है तुमने आरओसी को प्रेजेंट नहीं किया या झूठा सर्कुलर प्रेजेंट किया, 25,000 से 5,00,000. ये तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, 3 घंटा याद रख करके भूल जाना है. ये कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट कुछ नहीं था इसमें, खाली एक छोटा सा बात बोल रहा था कि ट्रांसफरर, एक बार वापस सुन लो, ट्रांसफरर कंपनी का बीओडी जब ये ऑफर रखेगा अपने मेंबर लोग के सामने सीए 15 सर्कुलेट करेगा, बट सीए 15 सर्कुलेट नहीं कर सकता जब तक आरओसी को ये बात, जब तक आरओसी को ये बात रजिस्टर नहीं करवा देता. और अगर आरओसी मना कर दिया रजिस्टर करवाने के लिए बिकॉज वो झूठ लिखा हुआ है या इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, तो आप एनसीएलटी के पास अपील कर सकते हैं, खत्म बात. नहीं समझा, हम आपको एक सुपर तरीका बताएं, ये सब सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस है. जैसे एक सुपर तरीका ये है, मेरे को जो भी काम करना रहता है दिन भर का वो मैं लिख करके रखता हूं माई वर्क में. ग्रुप है, माई वर्क, इस ग्रुप में खाली मैं हूं, समझाया. तो आपको रखना चाहिए ऐसा एक ग्रुप माई वर्क का एक जगह. अब एक जन के साथ थोड़ी ना ग्रुप बनता है सर, व्हाट्सएप आप भी गजब बात करते हैं. हाँ नहीं बनता है एक जन के साथ, आपको 2 जन करना पड़ेगा, फिर एक जन को निकाल देना पड़ेगा. समझा रहे क्या बोल रहे हैं. अब क्या करो आप, जैसे सेक्शन 238 जब आप पढ़ रहे हो, एग्जाम समय में हो सकता है आप इतना अच्छे से याद नहीं हो, अभी 238 तुमको पूरा दिमाग में है, 10 सेकंड के अंदर तुम ऐसा जो तुम समझे हो वो सेक्शन 238 व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज जो है वो अपने आप को भेज दो, और किसी को नहीं, अपने आप को. सेक्शन 238 ये 235 से रिलेटेड है, और इसमें यही है कि जो ट्रांसफर कंपनी का बीओडी अपने मेंबरों को जब ये ऑफर सामने रखेगा तो सीए 15 सर्कुलेट करेगा, और ये सीए 15 लेकिन सर्कुलेट नहीं कर सकता जब तक कॉपी आरओसी को रजिस्टर नहीं करवा देता, और आरओसी रिफ्यूज कर सकता है रजिस्टर करने के लिए अगर झूठ लिखा हुआ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तब हम लोग एनसीएलटी के पास अपील कर देंगे. 20 सेकंड्स, तुम्हारा पूरा 238 डन. नहीं समझ आया. 235 से रिलेटेड है, और इसमें यही है कि जो ट्रांसफर कंपनी का बीओडी अपने मेंबरों को जब ये ऑफर सामने रखेगा तो सीए 15 सर्कुलेट करेगा, और ये सीए 15 लेकिन सर्कुलेट नहीं कर सकता जब तक कि कॉपी आरओसी को रजिस्टर नहीं करवा देता, और आरओसी रिफ्यूज कर सकता है रजिस्टर करने के लिए अगर झूठी खबर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तब हम लोग एनसीएलटी के पास अपील कर देंगे. खत्म तुम्हारा 238. तो समझ में आ रहा है, ये सबको जो है ना, ये सब स्मार्टनेस वगैरह बोलते हैं, ये सबको लाइफ में जो है एब्जॉर्ब किया करो. अब ऐसा गोगाबंदी मत करना कि 470 सेक्शन ऐसे ऐसे करके चालू कर दिया. जो सेक्शन ट्रिकी है, जो चैप्टर ट्रिकी है, नहीं समझाया, जो तुमको बड़े मुश्किल से समझ में आया, नहीं समझा, और तुमको लग रहा है यार एक बार इसको बोल देना चाहिए, तो बोल दो ना मुंह खोल करके,
और व्हाट्सएप खोल करके चलो बढ़ो, और तुम जो समझा है वही तुम अपने आप को एक बार स्टोर कर दिया, नहीं समझ आया, फिर तुम अपना ही वापस से सुन रहा है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं? तो कोई भी अगर ज्यादा ट्रिकी लगता है कुछ भी चीज, उसको उस समय ऐसे लिख दिया करो, खासकर ये फाइनल में, बाप रे बाप, जब सीडीआर वगैरह पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक जो है जब तुम पढ़े उसका समरी ऐसे चालू करो, तीसरी सेकंड या दो दो मिनट, तीन तीन मिनट का समरी जो है वो बना लो नक्की। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये सब चीज को फॉलो करो बेटा, जबरदस्त है। तुम लोग को इतना सारा अच्छा अच्छा तरीका बताते हैं, फॉलो तो करो, करोगे बढ़ो। अब यार ये सब जो है ना, तुमको फॉर्म का फीस वगैरह याद करने का दरकार नहीं है, खाली एक बार यहां पर आ जाओ। ये जो अपील करने बोला जा रहा था ना, बोलो बोलो, ये अपील करना है फॉर्म नंबर NCLT 9 और एफिडेविट की, हम जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, और एफिडेविट का फॉर्म तो सेम है NCLT 6। ये अपील का फॉर्म नंबर बताओ NCLT 9 रेड विद 6, तो ये ऊपर में लिख दो ना, एग्जाम में तो तुम लोग नीचे तक जाएगा ही नहीं। अपील के माथे पे लिख दो NCLT 9 अलोंग विथ एफिडेविट NCLT 6, NCLT 9 अलोंग विथ एफिडेविट NCLT 6। ओके, 239 में आओ। ये क्या बोल रहे, सुनो, अगर दो कंपनी आपस में अमलगमेट हो गया, हाँ सर अभी तो पढ़े 237, सर अभी तो पढ़े, दो कंपनी आपस में अमलगमेट हो गया 237, खाली 237 में नहीं, फास्ट ट्रैक मर्जर भी तो होता है रे बाबा, क्रॉस बॉर्डर मर्जर भी तो होता है, नॉर्मल मर्जर भी तो होता है, तो 232 में भी तो मर्जर हो सकता है रे, 232 में नॉर्मल मर्जर, 233 में फास्ट ट्रैक मर्जर, 234 में क्रॉस बॉर्डर मर्जर, और कंपल्सरी मर्जर 237 पर में आ गया सर हम लोग को। तो 232 में क्या था, कंपल्सरी नॉर्मल, 232 में था नॉर्मल मर्जर, 233 फास्ट ट्रैक, 234 क्रॉस बॉर्डर, और 237 कंपल्सरी मर्जर। चाहे कोई भी मर्जर अमलगमेशन हो, ट्रांसफर कंपनी अब जिंदा हो गया, कौन मर गया, तो ट्रांसफरर कंपनी तो मर चुका है, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करें, ट्रांसफरर कंपनी मर चुका है बट उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करें, रखें कि डिस्पोज कर दें, क्या करोगे, रख करके आरती उतारोगे क्या, ट्रांसफरर कंपनी मर चुका है, बेसरन लोग, मरावा का बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखोगे, हा? आंसर इज कंपनी अगर चाहे तो उसको डिस्पोज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आठ साल हट, नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ता है, बट यहां पर कंपनी चाहे तो डिस्पोज कर सकता है, मराओ कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट रखने का दरकार नहीं है, डिस्पोज कर सकता है, बट आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, तुमको करना डिस्पोज कर, बट सीजी का प्रायर अप्रूवल के बाद, क्योंकि हो सकता है ना कि तुम्हारा सारा कर्मकांड किया हुआ हो, ऐसे सुनना, ए और बी भर भर के कर्मकांड किया और दोनों डिसाइड किया चलो सी बना लेते हैं, अब इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पूरा लाल पीला काला कच्चा पक्का सब है, तो इन लोग तो फटाफट बोलेंगे नया कंपनी न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट, नया जीवन, तो पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो सारा फ्रॉड किया हुआ है, तो इसलिए इन लोग चाहेगा कि फटाफट क्या कर दे, डिस्पोज, इसलिए बोला भाई सीजी से अप्रूवल दो, और फिर सीजी को अगर उचित लग रहा है, सीजी को अगर फ्रॉड की बुआ आ रही है, तो सीजी अपना एक ऑफिसर भेजेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करेगा, कोई फ्रॉड अगर नहीं देखेगा तब तुम फाड़ सकते जला सकते, नहीं समझा, बहुत सिंपल है, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, रेडी, यहां लिख दो ना, ट्रांसफरर कंपनी, फटाफट एकदम, ट्रांसफरर कंपनी cannot dispose its books and papers
Transferor company cannot dispose its books and papers. Transferor company cannot dispose its books and papers unless a transferor company cannot dispose its books and papers unless it takes prior approval of CG. Unless it takes prior approval of CG. And CG before granting such permission, फटाफट एकदम लिखो. And CG before granting such permission. And CG before granting such permission. CG before granting such permission. CG before granting such permission may. क्या लिखा? CG before granting such permission. May appoint a person. CG before granting such permission may appoint a person to examine such books and papers. To find any offense. To find any evidence of 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 offense. Done hai? Section 240 kuch nahi bol raha hai. Suno. Ye agar nahi bhi bolta to tum log ko itna buddhi hona chahiye. Maan lo transfer company ab nahi raha. Amalgamate ho gaya. Merger ho gaya transfer company ka. Baad mein pata chala ki transfer company mein na pichle 2 saal se fraud ho raha tha. To kya uske officer director level rahenge? तो वही बात हो रहा है कि डायरेक्टर्स ऑफिसर्स ट्रांसफरर कंपनी के दे शैल बी लायबल फॉर द प्रायर एक्ट्स. दे शैल बी लायबल फॉर द प्रायर एक्ट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी. लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू द मर्जर अमलगमेशन एक्सेट्रा. पक्का लायबल की नॉट लायबल लिख दो. दे शैल बी लायबल. दे शैल बी लायबल. दोस्तों दिस कंप्लीट My exhaustive se bhi exhaustive wala lecture on compromise, arrangement and amalgamation. Pura 230 se lekar ke 240 apne cheer phad karke padhai kar liye hain. Ab ek bar hum aapko 230 se 240 aapko lag raha hoga section yaad nahi hai lekin aapko yaad hai. Are section 230 to wahi tha power of compromise arrangement amalgamation nahi hai 230 mein. Section 230 kya hai? Compromise and अरेंजमेंट है ना. सेक्शन 231 पावर टू इनफोर्स. सेक्शन 231 है पावर ऑफ एनसीएलटी टू इनफोर्स. पक्का? तो 230 क्या था बताओ मेरे को. पावर टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. 231 बताओ. 230 हो गया फिर 231 बताओ. पावर टू इनफोर्स सच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और मेक मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड. पक्का श्योर? फिर 232 क्या था? नॉर्मल मर्जर अमलगमेशन. 233 फास्ट ट्रैक मर्जर. 234 क्रॉस बॉर्डर मर्जर. 235 236 दोनों बहुत टेक्निकल था. 235 में क्या था? इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर चलेगा बोलो. 235 क्या था? इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर. एंड 236 क्या था? पावर ऑफ अ पर्सन. पावर ऑफ अ पर्सन to acquire the share and then give exit opportunity to the dissenting shareholder. Pakka? Ye tha 236. Phir 237 mein compulsory merger. 237 compulsory merger tha. 238 mein registration of scheme of section 235. 238 deals with registration of scheme of section 235. Phir 239 tha books and paper. And 240 tha liability of the officers prior to merger. Clear hai pura? 230 se 240. सबसे पहले सेक्शन 230 में क्या था? पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. 231 में था एनसीएलटी पावर टू इनफोर्स. 232 नॉर्मल मर्जर. 233 फास्ट ट्रैक. 234 क्रॉस बॉर्डर. 235 इंटर कॉर्पोरेट. 236 सिंगल पर्सन. 237 कंपल्सरी. 238 रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम ऑफ सेक्शन 235. 239 बुक्स ऑफ अकाउंट. 240 लायबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स.
तो सेक्शन से भी अगर याद होना तो उसके अंदर का दिखने लगता है। लोग बोलते हैं सेक्शन नंबर याद करे क्या, अरे सेक्शन नंबर याद करने से अंदर का आसान हो जाता है। अब जैसे 239 का तेरे को सेक्शन नंबर याद आ रहा है, बुक्स एंड पेपर नजर आने लगता है, 239 बुक्स एंड पेपर का याद आ रहा है कि वो जो है वो डिस्पोज कर सकता है ओनली आफ्टर प्रायर प्रोसीजर और सीजी बिफोर ग्रांटिंग सच परमिशन मे अपॉइंट अ पर्सन टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड पेपर टू फाइंड आउट इफ देयर वाज एनी एविडेंस ऑफ ऑफेंस। और 240 क्या था, लायबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स प्रायर टू द मर्जर, दे शैल बी लायबल। मक्खन एकदम